औदा तालुका में किसानों के मोटर पंप के बिजली बिल न भरने के कारण बिजली विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काटे जाने के विरोध में जिला शिवसेना उपजिला प्रमुख देवेंद्र गोड़बोली के नेतृत्व में मौदा बिजली विभाग को निवेदन सौंपा गया है। इस अवसर पर ध्वजारोहण, वन भोजन, सामूहिक हवन और सेवकों को मार्गदर्शन किया जाएगा। हर साल होने वाले इस सम्मेलन में विविध जगह से लाखों भाविक शामिल होते हैं। इस साल 10 से 12 लाख भाविक आने की संभावना को देखते हुए स्थानिक पुलिस प्रशासन और व्यवस्थापन की ओर से सभी तैयारियां की जाने की जानकारी परमात्मा आश्रम के अध्यक्ष राजू मदनकर द्वारा दी गई। अध्यक्ष राजू मदनकर 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त या ठिकाणी भव्य सेवक मेळावा व मोजण्याचा कार्यक्रम, अंधश्रद्धा निर्मूलन, भ्रूणहत्या, वाईट व्यसन, दारूबंदी या विषयावर या ठिकाणी सत्संग भगवत कार्याची चर्चा बैठक या ठिकाणी होणार आहे। आणि जे येणारे भाविक जे आहेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान यातून येणाऱ्या सर्व भाविकांना विनंती करतो की आपण गर्दी पाहता आपण सर्वांनी गर्दीमध्ये न जाता थोडासा काळजीपूर्वक यावं, कारण यावर्षी या मौदा आश्रम मानवधर्म आश्रममध्ये कमीत कमी 8 ते 9 लाख लोकांची जनसंख्या या ठिकाणी राहणार आहे। आणि म्हणून या गर्दीच्या इतर असामाजिक तत्वांनी फायदा उचलला नाही पाहिजे याकडे सर्व भाविकांनी लक्ष द्यावं, अशी परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाच्या वतीने मी आपला सर्व सेवक बांधवांना, भगिनींना विनंती करतो। बीसीएन न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे।